वेलकम टू श्रीमतीज किचन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज मैं आपको बेसन का शीरा बनाना बताऊंगी। उसके लिए हमें जो जो सामान चाहिए वो इस प्रकार है। एक छोटी कटोरी बेसन की, दो चम्मच ऐसे भर भर के घी, और ये थोड़े से बादाम। अब हमने ये गरम करके अपना पैन को उसके अंदर बेसन डाल दिया। बेसन डालने के बाद हमने उसमें घी डाल दिया। और अब हम इसको ऐसे हल्का हल्का मिलाएंगे। अभी जब तक हम चलाते जाएंगे और उसको भुनेंगे, जब तक ये अपनी खुशबू नहीं देने लग जाता, ये साइड से घी नहीं छोड़ देता, तब तक हम इस बेसन को भुनते रहेंगे। अब उसमें हम थोड़ा सा, देखिए ये मैंने बहुत थोड़ी सी, आधी चम्मच से कम हल्दी ली है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने हल्दी क्यों ली है, क्योंकि ये हम स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिसको हर वक्त से जुकाम रहता है, गला सा ख़राब रहता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए इसमें हल्दी डालनी बहुत ज़रूरी है। हल्दी तो आपको पता ही है कि एंटीसेप्टिक का काम भी करती है, और आजकल जो कोरोना हो रहा है उसमें तो स्पेशली डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि अब हल्दी पीजिए, तो कम से कम इसमें पता भी नहीं चलेगा, पेट में भी चली जाएगी और अंदर सारे ऑर्गन भी ठीक रहेंगे। देखिए हमारा बेसन बिल्कुल भुन गया, देखिए कैसे बिल्कुल अच्छी तरह भुन गया है ये बेसन हमारा। बबल्स उठने लगे हैं, ये देखिए पता चल रहा है साइड से, बिल्कुल इसने अपना वो छोड़ दिया है, हल्का हो गया है। पहले ये बहुत भारी होता है, लेकिन जब ये भुन जाता है तो हल्का हल्का हो जाता है। अब इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम देखिए इसमें ये दूध डालेंगे अपना। ये हमने एक गिलास दूध ले लिया है। आपको इसमें ये दो तीन चार लोगों के पीने के लिए आराम से बन सकता है, तो आप इसमें जितना मर्जी डाल सकते हैं। ऐसे कोई बात नहीं कि एक ही गिलास डालना है, आपके दो गिलास तक दूध इसमें आराम से पड़ सकता है। आप इसमें ऐसे थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना ताकि इसमें गांठ ना पड़े, नहीं तो फिर इसका स्वाद ख़राब हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलाए गैस तेज करके। इसको बच्चे भी लाइक करेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हल्दी पड़ी है, नहीं तो बच्चे तो ऐसे पिएंगे नहीं हल्दी का दूध। आप इसमें थोड़ा सा, मैंने आधी चम्मच इसमें मैंने ये इलायची पाउडर लिया है, और ये आधी कटोरी मैंने चीनी ली है। चीनी आप अपने अनुसार डाल लीजिए, जितना आप पीते हैं चीनी, कम पीते हैं कम, ज़्यादा पीते हैं ज़्यादा। ये देखिए अभी थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा, इसमें आप थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। और उसके बाद जो ये बादाम मैंने आपको दिखाए थे, ये मैंने थोड़े से हल्के से मिक्स में ग्राइंड कर लिए हैं ताकि मुंह में ना आए, नहीं तो कोई भी बच्चा ऐसे पिएगा नहीं इसको, बड़े भी अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे करके तो मुंह में अच्छा लगेगा, इसका स्वाद बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये एकदम रबड़ी की तरह हो जाएगा बिल्कुल टेस्ट में, लेकिन ये अपने हिसाब से कि आपको पतला थोड़ा रखना है ज़्यादा तो पतला कीजिए। अभी इसमें हम और दूध डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो आधा गिलास दूध और ले लिया मैंने, ये आधा गिलास दूध और ऐसे। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए बिल्कुल भी। और ये मेरा बहुत ही, मतलब खांसी हो, किसी को एकदम से जुकाम होता है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये। अब एक उबाल आने पर ये शीरा बन के तैयार हो जाएगा बेसन का। और जो हमने बेसन भुना था, आप उसमें आधा बेसन निकाल के रख सकते हैं, उसको जब मर्जी आप दोबारा बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारा ही बेसन एक बार में डाल लो, आप एक डेढ़ चम्मच निकालिए, ऐसे मिक्स कीजिए और दूध मिलाइए, और आप किसी को ऐसे को पीने के लिए दे सकते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है ये, और फिर जुकाम के लिए, खांसी के लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है ये। ये देखिए हमारा ये बेसन का शीरा बनकर तैयार है। अब इसको गरम गरम और पीने को दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है पीने में। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।